गुड मॉर्निंग बच्चों, आज सामाजिक ज्ञान के इस क्लास में हम उपभोक्ता एवं जागरूकता के संबंध में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लासों में हमने अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ अध्यायों का अध्ययन किया था। उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता और सड़क सुरक्षा, इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं दोनों में से, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, सरल है, आसानी से याद हो जाने वाला है। एक बार आप उनको अच्छी तरह से समझ लो, फिर एक दो बार अगर आप किताब में से चैप्टर रीड करेंगे तो निश्चित रूप से आपको होगी याद। तो आज हम उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता करके नया अध्याय शुरू करें। बच्चों, मानव ने अपने विकास, मानव ने अपना विकास किया, आदिम अवस्था से लेकर आज तक की अवस्था में मानव अपना विकास करता है, और जैसे जैसे मानव अपना विकास करता रहा वैसे वैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ी, यानी जैसे जैसे विकास के पथ पर मनुष्य अग्रसर हुआ तो उसकी जो आवश्यकताएं थी, वस्तुओं की आवश्यकताएं थी, वो वस्तुओं की आवश्यकता की सूची लगातार बढ़ती गई। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने वस्तुओं का आदान प्रदान किया। आपको हमने अर्थशास्त्र वाले चैप्टर में वस्तु विनिमय पढ़ाया कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक वस्तु है और जो वस्तु उसके पास नहीं है उसकी उसको आवश्यकता है, तो वो अपनी वस्तु जिस व्यक्ति के पास वो दूसरी वस्तु है उसको देकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हमने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे किसी व्यक्ति के पास गेहूं है और उसको चावल की आवश्यकता है, तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास चावल भी है और उसको गेहूं की आवश्यकता भी, तो उस व्यक्ति को गेहूं देकर बदले में उससे चावल दे, इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। तो वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगा और वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू। वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ कमियां थी, कमियों को हमने पढ़ा था, तो इसलिए धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान मुद्रा ने ले लिया, मुद्रा विनिमय प्रणाली ने। मुद्रा के रूप में जो कीमती धातुओं की, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इस तरह की जो धातुएं थी, इन धातुओं की मुद्रा बनने लगी और उन्हीं मुद्राओं से आदान प्रदान चलने लगा। जहां तक मुद्रा की आवश्यकता है तो भारतीय इतिहास में इसका वर्णन भी मिलता है कि भारत में गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है, यानी गायों का प्रयोग जो मुद्रा के रूप में किया जाता था, वहां की पहले व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति थी वो गायों के आधार पर मापी जाती थी कि इस व्यक्ति के पास कितनी गाय है, जितनी गाय किसी व्यक्ति के पास होती थी उतना ही ज्यादा वो धनी माना जाता, यानी गायों को भी मुद्रा के रूप में प्रचलन का इतिहास में वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं अपन उपभोक्ता कि उपभोक्ता क्या होता है, जो अपना टॉपिक की है, टॉपिक से संबंधित जो बात है कि उपभोक्ता क्या होता है, कि बच्चों अपन उपभोक्ता उस व्यक्ति को कैसे कह सकते हैं कि जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा
का मूल्य देकर उसका उपभोग करता है। तो जो है उपभोक्ता जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है मूल्य देकर यानी उसका लाभ लेता है, जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसका उपभोग करता है यानी उस वस्तु या सेवा का लाभ प्राप्त करता है, तब वह व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। यानी उप प्लस भोग, उपभोक्ता का अगर अपन संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? उप प्लस भोक्ता इज इक्वल टू उपभोक्ता। यानी अर्थात इसका मतलब क्या होगा? अर्थात प्राप्त करके उपभोग करने वाला प्राप्त करके उपभोग करने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। अब यहां पे कि प्राप्त करके उपभोग करने वाला व्यक्ति, यानी उपभोक्ता कौन है? कि प्राप्त करके उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। अब व्यक्ति को ये भी जानना जरूरी है, तो उसको भी जानते हैं कि क्या व्यक्ति कौन है, किस तरह से उस व्यक्ति को परिभाषित किया गया है, इसके संबंध में भी अपन चर्चा करते हैं। कि उपभोक्ता अधिनियम ১৯৮৬ के अनुसार उपभोक्ता वह उपभोक्ता वह व्यक्ति है, कैसे के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है, कौन व्यक्ति? किसी व्यक्ति ने जो भी वस्तु या सेवा प्राप्त करी उसके मूल्य को प्रदान कर दिया, उसका भुगतान कर दिया या भुगतान करने का वचन दे दिया कि मैं बाद में भविष्य में आपको इस वस्तु का मूल्य चुका दूंगा, अभी मैं ये वस्तु या सेवा प्राप्त कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति उपभोक्ता है। दूसरा प्रतिफल का आंशिक भुगतान कर दिया हो या आंशिक भुगतान करने का वचन दिया,
या तो जो भी वस्तु है उसका आंशिक उपकार करते हैं। कई बार हम थोड़ा सा पैसे देते किसी व्यक्ति से कोई वस्तु ले आते हैं ना, ताकि धीरे धीरे ईएमआई में उसको किस्तों में धीरे धीरे उसको चुका पड़े, या तो आंशिक भुगतान कर दिया या आंशिक भुगतान करने का भी सिर्फ वचन ही दिया हो तो वो वैसे भी उपभोक्ता है। प्रतिफल का भुगतान विलंबित भुगतान विधि से करने का वचन दिया हो तो वो व्यक्ति भी क्या होगा, उपभोक्ता कहलाएगा। हम कह सकते हैं अपन कि करे कि गई वस्तु से लाभ या सेवा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति करे की गई वस्तु से लाभ या सेवा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। कि करे की गई वस्तु से, देखो बच्चों अपन दुकान में जाते हैं, हम लोग जो दुकान में जाते हैं दुकान से कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, मान लो एक पेन अपन दुकान से खरीदते हैं, तो उस दुकानदार के पास वो पेन सीधा कंपनी से तो आया नहीं, दुकानदार किसी होलसेलर के पास गया हो, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर सेंडर के पास गया, सेंडर कंपनी के पास, यानी सेंडर ने कंपनी को भुगतान करके वस्तु खरीदी, सेंडर को डिस्ट्रीब्यूटर ने भुगतान करके वस्तु खरीदी, डिस्ट्रीब्यूटर को होलसेलर ने भुगतान करके वस्तु खरीदी, और होलसेलर को रिटेलर ने भुगतान करके वस्तु खरीदी, यानी वो पेन खरीदी। अब आप देखो सबने भुगतान किए, अब वस्तु खरीदी, लेकिन ये चार सेंडर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर ये चार व्यक्ति उपभोक्ता नहीं कहे, क्योंकि उन्होंने वस्तु खरीदी जरूर है लेकिन उस वस्तु का लाभ प्राप्त नहीं किया, यानी उस वस्तु को उपयोग में नहीं लिया। अब हम दुकान में गए, हमने दुकान से वही पेन खरीदी, अब उस पेन को खरीद के हम घर लाए, हमने उसको क्या किया अपना मोहब्बत करना प्रारंभ किया, यानी उस वस्तु का उपयोग हम ले लें, तो उपभोक्ता कौन कहलाएंगे, अंतिम व्यक्ति कौन है, अब हमारे पास पेन थोड़ी बिकेगा, अंतिम व्यक्ति उसका उपभोग करने वाला अंतिम व्यक्ति हम, इसलिए उपभोक्ता कौन कहलाएगा, हम लोग उपभोक्ता कहलाएंगे। यहाँ पर बच्चों व्यक्ति शब्द कि उपभोक्ता व्यक्ति ये शब्द मैंने बार बार प्रयोग में लिया, अब ये भी जान लेते हैं कि व्यक्ति कौन माना जाए, उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार व्यक्ति कौन माना जाए, कि व्यक्ति किसे कहेंगे, कौन व्यक्ति माना जाए, कि यानी जो उपभोक्ता है उपभोग करने वाला व्यक्ति, अब व्यक्ति कौन कौन व्यक्ति हो सकता है, उसमें पहला आएगा पंजीकृत या अपंजीकृत पर, जो पंजीकृत जो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड जो भी फॉर्म है वो भी
आएंगे। संयुक्त हिंदू परिवार ये भी इसके अंतर्गत आएंगे। सरकारी संस्था ये भी व्यक्ति के ही रूप में परिभाषित होंगी। और अंतिम है लास्ट में आएंगे कि व्यक्तियों का कोई संघ चाहे समितियों के पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो या नहीं, यानी वो अधिनियम के अंतर्गत वो पंजीकृत हो या नहीं, वो व्यक्ति के अंदर आए। आगे बात करते हैं उपभोक्ता की। हम सब उपभोक्ता है बच्चों, आप भी गए होंगे बाजार, गए होंगे कुछ ना कुछ वस्तु आपने खरीदी होगी। जैसा मैंने कहा कि जैसे एक पेन आप खरीदते हैं, मान लो कि आप उस पेन को खरीद के लाए, घर आके पता चला वो पेन तो चल ही नहीं रहा, या थोड़ी देर चला चलने के बाद वो पेन टूट गया, या घर आए तो आपको पता चला पेन को टूटा हुआ, आप दुकानदार के पास वापिस गए, आप में तो पैसे नहीं है, आपने कहा कि भाई साहब आपने ये पेन दिया है चल ही नहीं रहा, या जो कुछ कमी है टूट गया टूटा हुआ, तो दुकानदार ने आपको कहा कि आपको देख के ले जाना चाहिए, अब मैं इसको वापस नहीं दूंगा, तो जितने का वो पेन आया वो उस उतने पैसे आपके खराब चले, वो पैसे तो हो गए और आपको नुकसान। तो ये सारी चीजें उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत आती है। किन किन तरीकों से, किन किन कारणों से जो उपभोक्ता का शोषण होता है उसके बारे में बात करते हैं। कि उपभोक्ता शोषण के क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणों से उपभोक्ता का शोषण किया जाता है, इसके संबंध में बात करें कि व्यक्ति जब किसी वस्तु या सेवा का मूल्य उस वस्तु को प्राप्त करता है, चाहे उसको किराए में लाता है, कई बार कोई चीज किराए में भी लेते हैं ना, तो मान लो ज्यादा कीमत है या अपने को थोड़े से ही समय के लिए थोड़ी देर के लिए मिलाना, तो अपन सोचते खरीद के क्या करेंगे, इस वस्तु को अपन किराए में लिया या किराए में लेता है चाहे, और क्रेता के मूल्य के अनुसार जो भी बेचने वाले ने हमको मूल्य बताया उस मूल्य के अनुसार हमने उसको उसका उस वस्तु का मूल्य या उसका जो भाड़ा है वो चुका दिया। अब उसको लेकर हम घर आ गए, जब वो वस्तु को लेकर हम घर आए तो उस वस्तु ने अपनी सुविधाएं दी थी, अपनी सेवाएं दी थी, यानी जो लाभ उस वस्तु से हमको प्राप्त होने चाहिए थे, जो जो सुविधाएं उससे प्राप्त होनी चाहिए थी, वो जो सेवाएं उससे प्राप्त होनी चाहिए थी वो सेवाएं नहीं प्राप्त हुई, तो ऐसी स्थिति को उपभोक्ता के शोषण की स्थिति कहा जाता है। ऐसी स्थिति क्या हुई, उपभोक्ता के शोषण की स्थिति, क्या बाजार में बाजार से आपने जो वस्तु खरीदी घर आए और उस वस्तु का जो कार्य था उस वो कार्य उस वस्तु ने किया ही नहीं, आपको क्या शोषण होता है।
क्या कारण है उपभोक्ता शोषण के, तो किन किन कारणों से किस तरीके से उपभोक्ता का शोषण होता है उसके संबंध में अपन चर्चा करेंगे। वस्तु सेवा की या क्या वस्तु या सेवा उसकी मात्रा गुणवत्ता और शुद्धता इस पर ध्यान दिए बिना मानक पर ध्यान दिए बिना वस्तु को हमने खरीद कितनी मात्रा की हो सकता वजन में कम हो जो चीज की गारंटी थी शुद्धता की वो उतनी शुद्ध नहीं गुणवत्ता में वैसी नहीं मापदंडों के अनुसार भी नहीं हमने बिना ध्यान दिए उसको खरीद लिया तो निश्चित रूप से हम उपभोक्ता शोषण का शिकार कि वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकारों के उपलब्ध होने पर सही वस्तु या सेवा का चयन न हो कि वस्तु जैसे आप बाजार गए आपने दुकानदार से कहे पेन दी खूब सारी कंपनियों के पेन आपने कहे 10-12 पेन दिए कई तरह की कंपनी के पेन आपने देखे आपने कहा दुकानदार को कहा आप दूसरे वाली कंपनी को दुकानदार आपको कहता है कि ये ही चीज अच्छी है ले जाओ बहुत अच्छी और आप दुकानदार की बातों में आकर सही कंपनी का चयन ना करके 10 रुपए में उस वस्तु को लिया जबकि 10 रुपए में की मात्र 10 रुपए के और भी अच्छे उस जो पेन आपने कहा उससे कई अच्छे पेन उस दुकानदार के पास उपलब्ध थे बाजार में लेकिन अपन सही वस्तु का चयन नहीं कर पाए इसलिए हम लोग क्या उपभोक्ता शोषण के शिकार हो गए। आपने देखा होगा कि अपन कोई भी वस्तु खरीद के लाते हैं तो उस वस्तु के ऊपर उस वस्तु से संबंधित कई सारी जानकारी लिखी होती है तो जो लिखित या अलिखित जानकारी का अभाव है अगर वस्तु के ऊपर जैसे MRP लिखी रहती है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी रहती है डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी रहती है कौन सी कंपनी की है ये सब चीजें लिखी रहती है लेकिन अगर इन चीजों का अभाव है तो हम शोषण का शिकार हो जाते हैं उपभोक्ता शोषण का शिकार हो जाते हैं।
वस्तु की पैकिंग पर जो प्रचार लिखा रहता है उस लिखित प्रचार पर भी हम लोग विश्वास कर लेते हैं कि हाँ इस प्रचार लिखा हुआ है। टीवी पर एक वस्तु का प्रचार देखते हैं, बड़े बड़े पे मिलता है, बड़े बड़े खिलाड़ी उस वस्तु का प्रचार करते हैं, अपन क्या समझते हैं ये लोग यूज भी ले रहे हैं इस चीज को, अपने को भी लेना चाहिए, यानी अपन उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं भले वो वस्तु सही है। ये भी एक उपभोक्ता के शोषण का ही तरीका है। अगला जो है वो है उपभोक्ता का अशिक्षित, कि अगर उपभोक्ता अशिक्षित है तो उसको कोई कितनी भी जानकारी वस्तु के ऊपर नहीं हो उसको पढ़ने में कौन सा है, उस जानकारी के पढ़ने में नहीं आया उसको वस्तु से संबंधित कोई जानकारी का अभाव भी रहेगा, इसलिए तो भी वस्तु का शोषण वहाँ पर व्यक्ति का शोषण वहाँ पे किया जा सकता। जो भी वस्तु हम खरीद के लाए उस वस्तु या सेवा का जो भी बिल है या रसीद है अधिकतर दुकानदार देता नहीं और हम लेते भी नहीं, तो वो बिल नहीं लेना भी एक हमारी गलती है, वो भी हमारे शोषण का कारण बन सकता है। आगे बात करते हैं किस किस तरीके से उपभोक्ता का शोषण हो सकता है। दूषित हानिकारक वस्तु या सेवा की दूषित और हानिकारक वस्तु होती है उसकी सेवा के विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा लिखित या उचित ढंग से कई बार कोई वस्तु लेके आए उस वस्तु की सेवा में कोई कमी है या उसकी गुणवत्ता में कमी है तो हम क्या करते हैं कि उसकी शिकायत या तो करते ही है, कोई बात नहीं खराब आ गई आगे से ध्यान, और शिकायत करते भी है तो लिखित रूप में ढंग से या उचित तरीके से जो नियम होते हैं उन नियमों के अकॉर्डिंग हम उसकी शिकायत नहीं करते तो भी हमको शिकायत नहीं करते तो उसका कुछ प्रतिफल भी नहीं मिलता, इस तरह से उपभोक्ता का शोषण हो सकता है। शिकायतों पर शीघ्र निर्णय ना हो, शिकायत कर भी ली तो उन शिकायतों पर शीघ्र निर्णय होना भी काफी मुश्किल होता है, जल्दी से निर्णय नहीं हो पाता तो उपभोक्ता भी फिर आलस पर बिठा देता है कि चलो छोड़ो बाद में देखेंगे, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो भी उपभोक्ता शोषण का शिकार वहाँ पे हो जाता है।
सर्वांग कारण है कि उपभोक्ता भी संगठित नहीं है। मेरे पास कोई वस्तु या सेवा संबंधी कोई दोष उत्पन्न हो गया, दूसरा देखता है मेरे साथ थोड़ी बार मेरे को नुकसान थोड़ी बार अपने को, तो उपभोक्ता भी कोई संगठित मंच उपभोक्ताओं का नहीं है, जिससे कि उपभोक्ताओं का शोषण रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सके। राष्ट्र की सरकार पर उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का प्रभाव होता है, क्योंकि सरकार इनके लाभ के लिए कार्य करके चुनाव के टाइम पे एक पूंजीपति और उद्योगपति सरकार को चंदे के रूप में एक बहुत बड़ी रकम देते हैं। इसे जब सत्ता में आते ही तो सरकार की जो नीतियाँ होती है वो नीतियाँ इस तरह की होती है कि पूंजीपति और उद्योगपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँच सके, इसलिए इनके प्रभाव में रहती है सरकार उपभोक्ता शोषण की तरफ कोई ध्यान नहीं थे। तो बच्चों, ये आज हमने उपभोक्ता शोषण से संबंधित कारणों का अध्ययन किया था। उपभोक्ता किसे कहते हैं इस चीज का हमने अध्ययन किया था। अब अपनी क्लास में आगे कल की क्लास में हम उपभोक्ता के अधिकारों से संबंधित बात करेंगे। आज की क्लास से संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।